स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समकालीन हिंदी कविता जो कि आपके फिफ्थ सेम की एक किताब है, समकालीन हिंदी कविता। उसमें जो आपके पहले कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो आज हम उनकी बात करते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय की। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी का जन्म जो है वो 7 मार्च 1911 को हुआ। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को देवरिया जिले में स्थित कश्या पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। ठीक है, ये प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान में हुआ। बचपन इनका लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए ये पकड़े गए और वहाँ से ये फरार भी हो गए। सन 1930 ईस्वी के अंत में फिर पकड़ लिए गए। आगे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि रहे हैं। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अगे जी ने अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी थे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनकी शिक्षा के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1925 ईस्वी में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फर्सन कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, परंतु क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण इनकी पढ़ाई जो है वो एमए की पूरी नहीं हो पाई, यानी कि इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अधूरी ही रह गई। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनके कार्य क्षेत्र की। 1930 से 1936 तक का जीवन विभिन्न जेलों में इन्होंने काटा, यानी कारावास में काटा, क्योंकि उस समय जो है हमारा देश जो है वो गुलाम था और आज़ादी के लिए विभिन्न आंदोलन चलते रहते थे। तो जो हमारे देश के उस समय के जो नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके संपर्क में ये हमारे अगे जी जो थे ये रहते थे, और इस वजह से 1930 से 36 का जो टाइम पीरियड है वो इनका कारावास में ही कटा। 1936 से 37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। 1943 से 46 तक ब्रिटिश सेना में ये रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका इन्होंने निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं भी स्टूडेंट्स इन्होंने काफ़ी की हैं, जिसमें इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया है। दिल्ली लौटे और दीनमान साप्ताहिक नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक पत्रिका नामक एक न्यास की स्थापना की, वत्सल निधि, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही इन्होंने 4 अप्रैल 1987
दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हुई, यानी दिल्ली में ही इनका निधन हुआ। ठीक है, 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्टूडेंट साहित्य अकादमी जो है वो बहुत अच्छी रचनाओं के ऊपर कुछ एक रचनाओं को हर साल जो है वो पुरस्कार देती है। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, काव्य संग्रह की जब हम बात करते हैं तो भगनदूत इनका 1933 में, चिंता 1942 में, इत्थलम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए से 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, और कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 में, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग पर छाया 1981, प्रिजन डेज एंड आवर पोएम्स अंग्रेजी में 1946 में प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इनकी कहानियों की। देखो, एक कवि होने के साथ साथ एक अच्छे कथाकार भी थे। ठीक है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, और जो है रचनाओं का अनुवाद भी किया है। तो अब हम बात करते हैं इनकी कहानियों की। इनकी जो कहानी है, कहानी संग्रह है विपत्गा, वो आया 1937 में, परंपरा 1944 में, कोठरी की बात कहानी संग्रह 1945 में, शरणार्थी 1948, जैदोल 1951 में। ठीक है, उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में। शेखर एक जीवनी इनका मनोवैज्ञानिक उपन्यास रहा है और इस उपन्यास से इन्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिली है, और ये इनका बहुत ही शानदार उपन्यास है। स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको मौका मिले तो इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ना। ठीक है, उसके बाद नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। नदी के द्वीप इनकी एक कविता भी है और नदी के द्वीप इनका उपन्यास है। ठीक है, नदी के द्वीप जो है वो कविता आपकी इसमें सिलेबस में भी लगी हुई है, हम उसकी जो है उसको भी पढ़ेंगे। अपने अपने अजनबी आया इनका 1961 में। यात्रा वृत्तांत की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनके यात्रा वृत्तांत हैं अरे ययावर रहेगा याद, इनका 1943 में प्रकाशित हुआ, एक बूंद सहसा उछली 1960 में प्रकाशित हुआ। निबंध संग्रह के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अंग्रेजी के जो निबंध हुए हैं वो हैं सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनिपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य और आलवाल। ठीक है, आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, तो इनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो हैं त्रिशंकु 1945 में प्रकाशित हुई, आत्मनेपद 1960 में, भवंती 1971 में और अद्यतन 1971 ईस्वी में। संस्मरण का तो आपको पता ही होगा, संस्मरण वो होते हैं जो हमारी जो पुरानी बातें जो हमें हमारे दिमाग में रह जाती हैं उनको याद करके जब हम कोई रचना लिखते हैं, यानी कुछ घटनाएं जो हैं हमारे मन मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ देती हैं कि वो बाद में हमें याद आती रहती हैं, तो उनको याद करके जब हम कोई रचना लिखते हैं पुरानी स्मृति को याद करके तो उसे संस्मरण कहते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे आलोचना की। आलोचना में स्टूडेंट्स वो रचनाएँ आती हैं जो किसी कृति के ऊपर उसका जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है किसी रचना को, यानी लेखक जो है वो अपनी किसी कहानी को या किसी उपन्यास को या किसी कविता को लिख देता है और उसको लिखने के बाद जब वो प्रकाशित होती है तो बहुत सारे हमारे जो साहित्य जगत के विद्वजन जो होते हैं वो उस रचना को पढ़ के बताते हैं
और उसके जो अच्छे बुरे गुण हैं उसके बारे में लिखते हैं कि इस रचना के माध्यम से कवि या लेखक समाज को क्या संदेश देना चाहता है और उसके माध्यम से क्या समाज को अच्छा संदेश मिलता है या बुरा संदेश मिलता है, या कवि जो है क्या देना चाहता है, यानी उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में भी लिखा जाएगा और जो उसमें सही चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में भी लिखा जाएगा। तो उसकी जो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा वही जो है आलोचना होती है और उसके ऊपर बाकायदा किताब लिखी जाती है आलोचना की बहुत सारी रचनाओं पर। और जो आलोचक होते हैं साहित्य जगत में, जैसे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उसी तरह से आलोचक भी होते हैं, यानी आलोचक भी साहित्य जगत के विद्वजन ही होते हैं और वो भी जो हैं बहुत ही साहित्य का ज्ञान रखते हैं, ठीक है। तो वो कृति का विश्लेषण करते हैं एक तरह से, उसी को आलोचना कहा जाता है, ठीक है। और तो हम बात कर रहे थे इनके संस्मरण की। संस्मरण में इनका जो प्रकाशित हुआ है वो है स्मृति लेखा। अब बात करते हैं डायरिया, यानी डायरी विधा में इन्होंने क्या लिखा है। डायरी का तो आप सभी को पता ही है कि हम अपनी डायरी में जो दिन में जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं होती हैं वो सब बातें अपनी डायरी में लिखते हैं। किसी किसी को शौक होता है डायरी लिखने का, हम सब तो नहीं लिखते लेकिन किसी किसी को, जैसे साहित्य जगत में तो बहुत सारे लेखक ऐसे हुए हैं जो अपनी डायरियाँ लिखते थे। तो अगे जी ने जो डायरी लिखी है उनका नाम है भवंती, अंतरा और शाश्वती, ठीक है। अब बात करते हैं विचार गद्दे की, वो है संवत सर, ठीक है। इनका नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, एक ही नाटक इनका प्रकाशित हुआ है। अब देखते हैं संपादित ग्रंथ, यानी इन्होंने जिन ग्रंथों का संपादन किया है वो है इनके। संपादन का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना, जैसे अखबार के भी संपादक होते हैं, अखबार के जो संपादक होते हैं उनका क्या काम होता है कि जो अखबार की जो दिन भर की खबरें होती हैं उनमें से ये देखना कि कौन सी खबरें प्रकाशन करने योग्य हैं अखबार में और कौन सी नहीं है। उसी तरह से जो लेखक थे, जो लेखक हैं या लेखक हुए हैं, वो जब संपादित ग्रंथ करते हैं तो उन ग्रंथों में कौन कौन सी रचनाओं को वो रखते हैं, किन किन रचनाओं का संग्रह करते हैं, चाहे वो किसी और कवि की हैं, चाहे खुद की हैं, चाहे किसी की भी हैं। कुछ लोग पत्रिकाओं के का संपादन करते हैं, कुछ बुक्स का संपादन करते हैं, कुछ अखबार का संपादन करते हैं। इसी तरह से हमारे जो अगे जी आज के कवि हैं उन्होंने भी कुछ रचनाएँ जो हैं वो संपादित की थी। तो इनकी जो संपादित रचनाएं हैं वो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह, जो आधुनिक हिंदी साहित्य, ये इनका निबंध संग्रह है, यानी इसमें इन्होंने निबंध का संग्रह किया है। ये इनका 1942 में प्रकाशित हुआ। तार सप्तक कविता संग्रह, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये इनका पहला तार सप्तक आया 1943 में। दूसरा तार सप्तक, उसमें भी कविताओं का ही संग्रह किया था, 7 कवियों का, तो वो आया इनका 1951 में। और तीसरा तार सप्तक जिसमें भी इन्होंने अन्य 7 कवियों की रचनाओं का, कविताओं का संग्रह किया था, जो इनका आया है 1959 में, ठीक है। इसके अलावा तार सप्तक एक और आया 1971 में, लेकिन उसका मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो उसका संपादन अगे जी ने किया था या नहीं किया था। तो जो बुक्स में से मुझे जितना मिला है वो 3 तार सप्तक के बारे में ही इनके बारे में बताया गया है। चौथा तार सप्तक आया तो है 1971 में, लेकिन उसका मुझे ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो अग्रेजी ने संपादित किया था या किसी और ने किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, नए एकांकी इनका संपादित ग्रंथ रहा है, वो आया है 1952 में, और रूपांबरा 1960 में। इनका लगभग समग्र काव्य जो है वो सदानीरा 2 खंड नाम से संकलित हुआ, यानी इनकी जो सारी रचनाएं हैं, जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो जो है किसमें हैं, सदानीरा में 2 खंडों में ये प्रकाशित हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है।
साहित्यिक विशेषताओं में देखो, जीवन को पूर्णता में जीने का आग्रह, जीवन को पूर्णता में जीने का आग्रह अगे ने अपनी रचनाओं में किया है। वे विश्व पीड़ा को समेटने की बात करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें अहमवादी नहीं कहा जा सकता। अगे क्षण के आग्रही हैं, लेकिन क्षणवाद के नहीं। उनके विचार से हर एक क्षण को अपनी पूर्णता में जीना ही जीवन को पूर्णता में जीना है। एक क्षण में उनका अटल विश्वास जीवन की अखंडता का प्रत्याख्यान नहीं है, बल्कि जीवन की अखंडता में विश्वास का सूचक है। मृत्यु कविता में वो लिखते हैं, भीतर ही भीतर झरे पत्तों का साथ गलता और जीर्ण होता रहता हूँ, नए प्राण पाता हूँ। ठीक है, अगली जो इनकी साहित्यिक विशेषता है वो है व्यष्टि और समष्टि में समन्वय। अगे को प्राय जो है व्यक्तिवादी या अहमवादी कवि कहा जाता रहा है, लेकिन अगे का जो व्यक्तिवाद है वो कहीं भी सामाजिक विकास में बाधक नहीं रहा है। उनकी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप में, नदी समाज का प्रवाह है तो द्वीप व्यक्तित्व के अस्तित्व का सूचक है। और नदी के द्वीप जो कविता है वो मैंने अभी बताया कि आपके सिलेबस में भी है, और एक दो दिन में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो जो है इनकी एक प्रतीकात्मक कविता है, और उसमें व्यक्ति के अस्तित्व का सूचक कौन है, द्वीप। उसमें प्रवाह का महत्व है, परंतु द्वीपों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। द्वीप की सार्थकता मिट मिट कर बनने में है। द्वीप तो धारा की निर्मिति है, धारा के अभाव में इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कवि एक जगह पर लिखते भी हैं, हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है, स्थिर संप्रण है हमारा, माँ है वह। तो इस तरह से जो है कवि कहना चाहता है कि धारा के प्रति समर्पण एवं ममत्व का भाव अगे जी जो है वो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। अगली जो इनकी साहित्यिक विशेषता है वो है प्रणय भावना। इनके काव्य में प्रणय और विद्रोह के स्वर जो है वो एक साथ मुखरित हुए हैं। रोंधे हुए इंद्रधनुष के आलोक में प्रणय के इस पौधे की परिणति हुई है। यह एक ऐसे पेड़ के रूप में जो जितना आकाश में ऊपर उठता है उतनी ही इसकी जड़ें जमीन में गहरी दस्ती चली जाती हैं। और इत्तेलम में कवि लिखते हैं, क्या है प्रेम घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला, क्या है विरह प्रेम की भुजती राख भरा प्याला। दार्शनिकता एवं बौद्धिकता भी आपको अगेजी में देखने को मिलेगी। इनकी एक कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये लिखते हैं, करुणा का सुंदर जो है चित्रण इन्होंने किया है। लिखते हैं, जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फूल जहाँ है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। यानी कि इस कविता में देखो आपको कितना दार्शनिकता और बौद्धिकता देखने को मिल रही है। इसमें जो है कवि ने जो एक एक बात है वो बहुत ही बौद्धिकता से कही है। इसकी गहराई को समझने की कोशिश करो। अगली जो इनकी विशेषता है वो है लघु कविताओं का सौंदर्य। यानी छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, और जो है वो उनमें बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी भावनाओं का भी व्यक्त किया है। देखो एक उदाहरण मैं एक बूंद कविता का तुम्हें बताना चाहती हूँ। लिखते हैं, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की आग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो देखो कितने थोड़े से शब्दों में ये अपनी बात को कितनी गहराई से कह रहे हैं। तो ये इनका छोटी कविताओं में सौंदर्य भरने का जो है एक इनकी कहें कि इनकी एक विशेषता रही है। देश प्रेम की भावना इनकी एक साहित्य की विशेषता है। यानी कि इनकी कविताओं में जो देश प्रेम की भावना जो उस समय की एक तरह से ये कहें कि ज़रूरत भी थी, वो भी आपको इनकी कविताओं में देखने को मिलेगी। जो आपके सिलेबस में लगी हुई है हमारा देश, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगी कि किस तरह से देश प्रेम की भावना इनके अंदर थी। प्रकृति का चित्रण भी इनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। एक उदाहरण मैं आपको बता दूँ। लिखते हैं, सुनी सी सांझ एक दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी, मुझको वहाँ देख थोड़ा सकचाई थी। देखो कितनी अच्छे से जो है सांझ का मानवीकरण किया है। व्यंग्यात्मकता भी, यानी व्यंग के माध्यम से जो है अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने देश का वर्णन किया है कि किस तरह से देश में शोषण हो रहा है,
उस समय देश गुलाम था, तो अंग्रेज़ जो लोग थे वो किस तरह से देशवासियों का शोषण कर रहे थे, ये भी इन्होंने अपनी कविताओं में व्यंग्य के माध्यम से किया है। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। अगेन ने भाषा संस्कार जो है वो बचपन से ही पाया था। इनकी भाषा में अनगढ़पन बिल्कुल भी नहीं था और संस्कार इतना सहज हो गया था कि बोझिल बिल्कुल नहीं लगता था। इन्होंने लोकगीत, संस्कृत कविता, जापानी कविता और अन्य अनेक स्रोतों से लय का अन्वेषण किया और अपनी भाव गहनता के अनुकूल इन्होंने छंद की खोज की। यानी कि इन्होंने जो है छंद अपनी रचनाओं में ज़बरदस्ती नहीं थोपे हैं, बल्कि अपने आप ही एक सहज तरीके से इनके काव्य में आपको छंद जो देखने को मिलेंगे, और ये एक सजग कलाकार और कवि रहे हैं। आगे की भाषा बिंबात्मक है, अमूर्त भावों को वे सजीव बिंबों में अंकित करते हैं। इनके प्रिय प्रतीक हैं मछली, दीप और द्वीप। मछली जिजीविषा जीने की उत्कट इच्छा की प्रतीक है। कांच की टंकी में पली हुई सोन मछली पर एक लघु कविता का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। लिखते हैं, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाफ रही मछली, रूप त्रिशा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। ठीक है, इन्होंने परंपरागत उपमानों का बहिष्कार किया है। लिखते हैं, एक जगह पर इनका मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, लिखते हैं, बल्कि केवल यहीं ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता था। तो इस तरह से देखते हो कि इन्होंने पुराने उपमानों प्रतीकों को तोड़ा है और उन्हें बौद्धिकता के साथ नए ढंग से अभिव्यक्त किया है। यानी कि इनकी जो भाषा थी वो जीवन की अनुभूतियों की सहजता के कारण सहज है, लोक शब्दों लोक प्रतीकों से युक्त है तथा सहज प्रभावमय है। तो ये थे हमारे आज के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।